मुगलिया दौर एक बहुत 350 साल तक उन्होंने यहाँ हुकूमत की है, और जो सिर्फ अभी पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, उस पर उस जो दौर है उसमें पाकिस्तान है, आज का हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। आप सोचें कि आज का जो सोफिस्टिकेटेड जो सिविलाइज्ड हम से रीजन कह रहे हैं, इसके इस पर बहुत गहरे असरात हैं मुगलिया दौर के। 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर यहाँ आता है हिंदुस्तान अफगानिस्तान से, तो एक नई तहजीब लेके आता है। वो तहजीब आज भी, वो जो तमद्दुन है, वो तहजीब है, उसके बहुत गहरे असरात इस पूरे खत्ते पे हम देखते हैं। वो ज़बान हो, उर्दू ज़बान उन्हीं का तोहफ़ा है, जो हम जिस ज़बान में हम बात कर रहे हैं ये उन्हीं का तोहफ़ा है, और दुनिया की ये बेहतरीन ज़बान इस लिहाज से कि ये एब्जॉर्ब करती है दूसरे अल्फाज को। ये मुग़ल लश्कर की ज़बान थी, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू, इसका मतलब होता है लश्कर। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तमदनी लिहाज से, कल्चरल जिसे हम कहते हैं लिहाज से, एक ऐसा तब्दीली हमें देखने में मिलती है, और इसका एतराफ़ खुद जवाहरलाल नेहरू करता है। वो उसमें अपनी किताब में लिखता है कि बरे सगीर के लोगों को जो खाना खाना, बोलना, बातचीत करना, इमारतें बनाना, हत्ता के बाथरूम बनाना, ये मुसलमानों ने, ख़ासतौर पर मुग़लों ने सिखाया। तो इसको तो एक्नॉलेज सब कर रहे हैं, और वो उनकी जो तहजीब है वो अभी भी आप देखें, जितनी उनकी तहजीब और कल्चर है अभी भी हम डोमिनेट कर रही है, मुग़ल तहजीब, मुग़ल कल्चर, मुग़ल आर्ट, मुग़ल फ़नून, मुग़ल बिल्डिंग्स, हम आज भी टच देना चाहते हैं अपने देखिए खानों में मुग़लई खाने, हम कहते हैं ये मुग़ल स्टाइल खाने हैं, ये मुग़ल स्टाइल डेकोरेशन है, ये मुग़ल स्टाइल लिबास है। इसका मतलब है कि उसमें ख़ास ऐसी बात थी जिससे हम इतने मुतासर हैं कि इस पूरे रीजन में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, आपको मुगलिया जो सकाफत है वो डोमिनेट नज़र आती है। नादिर शाह अंग्रेज़ था, हिंदू था, ईसाई था, कौन था? मुसलमान था। अपना बंदा आपका आया, आपके अपने हमसाए में आके उसे लूटमार की, उसे दूसरों को मौका मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दौर में जब उसको एंडोर्समेंट मिलती है, तो वो यहाँ ट्रेड करने आए थे। उन्होंने एक दो दफ़ा कोशिश की औरंगज़ेब के ज़माने में, उससे पहले शाहजहां के ज़माने में, उन्हें सख्ती से रोका गया, लेकिन वो यही कहते हैं, लॉर्ड मैकॉले भी अपने थीसिस में लिखता है कि हम यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आए थे। लेकिन जब हमने यहाँ के इंटरनल इशूज़ देखे, जब यहाँ पोलिटिकल भी लिहाज से देखें, उसके बाद बाहर से बंदा आ रहा है आपको उड़ा गया है, उसके बाद उनके पास खुद मौका था कि वो यहाँ ट्रेड की बजाय हुकूमत करें। सराजुद्दौला, उसमें भी आपके अपने मीर जाफर उसका
सगा चचा था, उसने आपको धोखा दिया। तो ये सिलसिला चलता चलता 1799 में आता है जब सुल्तान टीपू को शिकस्त होती है, वो भी उसके अपने बंदे की वजह से। ठीक है जी, तो अपनों की गलतियाँ गैरों से बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हमारी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मीडिया के जो इम्पैक्ट है, मीडिया के जो असरात हैं, वो मुआशरे में सबसे ज़्यादा होते हैं। आपने मीडिया इन्फ्लुएंस आपने देखा है कितना ज़्यादा है कि मुआशरे में जो तब्दीली लाते हैं जो अनासर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मीडिया का है। तो मीडिया को आपको पता है हम एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं सोशल चेंज लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए।